हेलो एवरीवन, हम आपको लूसेंट की जीके करा रहे थे। इसमें हम शाहजहां तक पढ़ चुके हैं, आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे कि आपके दो लूसेंट की बुक है, मैंने पहले हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके दो लूसेंट की बुक है, एक तो आपकी डिटेल वाली है जिसे कि हम कर रहे हैं, और एक आपकी वस्तुनिष्ठ है जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की है। ठीक है, तो हम आपकी दोनों बुक्स को करेंगे, दोनों बुक्स हम मैं आपको कराऊंगी, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जैसे इसका हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं लूसेंट की, तो हिस्ट्री में भी हम प्राचीन भारत कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत कर रहे हैं जिसका थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो अगर आप किसी भी तरह कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से लेकर 1707 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से लेकर 1707 तक रहा है। ठीक है, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था औरंगजेब का। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1618 ईस्वी को दोहाद जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के दोहाद में इनका जन्म हुआ था। औरंगजेब की बचपन का अधिकांश समय नूर जहां के पास बीता था। जो औरंगजेब थे वो अपने ज्यादातर समय ये नूर जहां के पास रहे थे। 18 मई 1637, ठीक है, 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। ठीक है, किसके साथ इनका निकाह हुआ था? दिलरास बानो बेगम के साथ इनका निकाह हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1637 में। ठीक है, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से ये गद्दी पर बैठे थे। तो ये किसकी उपाधि से बैठे थे गद्दी पर? अबुल मुजफ्फर, ठीक है, अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से ये गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 31 जुलाई 1658 को। ठीक है, 31 जुलाई 1658 को ये गद्दी पर बैठे थे। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 जुलाई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। ठीक है, औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश कब किया था? 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। और शाहजहां, ठीक है, शाहजहां जो इनके पिता थे, शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। और इन्होंने शाहजहां के महल में दूसरी बार 5 जून 1659 को अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, मीर मोहम्मद हकीम थे, ये औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब किस धर्म को मानने वाला था? औरंगजेब जो था वो सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है कि इसे और जिंदा पीर किसे कहा जाता था, इसे बार बार क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है जिंदा पीर किसे कहा जाता था, तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। याद रखेंगे, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में संपन्न हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई थी? 22 जून 1665 को। किस किस के बीच हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के बीच।
ठीक है, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी। मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। ठीक है, शिवाजी औरंगजेब से कब मिले हैं? मई 1666 में ये मिले हैं। ठीक है, औरंगजेब से शिवाजी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? ये आगरा के किले में। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। और जब ये शिवाजी मिलने गए हैं औरंगजेब से, तो शिवाजी को कैद कर लिया गया है। कैद करने के बाद इन्हें जयपुर भवन में इन्हें रखा गया है। शिवाजी को इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नौवें गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। इम्पोर्टेंट है कि सिखों के नौवें गुरु, जो सिखों के नौवें गुरु थे, तेज बहादुर सिंह सिखों के नौवें गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। क्यों करवा दी थी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। कब करवा दी थी? 1675 में दिल्ली में इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है, तो औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु तेज बहादुर सिंह की, जो तेज बहादुर थे, उनकी हत्या करवा दी थी। कब करवा दी थी? 1675 में। कहाँ करवाई थी? दिल्ली में। क्यों करवाई थी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, इसलिए। ठीक है, औरंगजेब ने 1679 में, ठीक है, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था। जजिया कर को दोबारा लागू करने वाला कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था। कब कर दिया था? इन्होंने 1679 में, ठीक है, 1679 में इन्होंने जजिया कर फिर से लागू कर दिया था। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण, इन्होंने बीवी का मकबरा बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था 1679 में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में इन्होंने बीवी के मकबरे का निर्माण कराया था। किसने करवाया था बीवी के मकबरे का निर्माण? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने बीवी के मकबरे का निर्माण कराया था। कहाँ करवाया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कब करवाया था? तो 1679 में। सोलह सौ छियासी ईस्वी में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, मुगल जो औरंगजेब था, इसने बीजापुर को और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। इसने बीजापुर को कब मिलाया था? 1686 में। ठीक है, 1686 में तो इन्होंने बीजापुर को मुगल साम्राज्य मिलाया था, और 1697 में इन्होंने गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल शासन में मिला लिया था। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। ठीक है, मदन्ना और अकन्ना नामक जो ब्राह्मण थे, उनका संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। ठीक है, किससे था? अबुल हसन से, जो कि गोलकुंडा के रहने वाले शासक थे, इनसे इनका संबंध था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। ठीक है, औरंगजेब के समय में जो जाटों का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोलकुला। ठीक है, गोलकुला और राजा राम उसका नेतृत्व कर रहे थे। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। 1670 में किसकी लड़ाई में जाट परास्त हुए थे? तिलपत की लड़ाई में। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया था, और जो गोकुल थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद जाटों ने
1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। इन्होंने दोबारा विद्रोह किया था। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा था। सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा था उन्होंने इसे भी लूट लिया था। और भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूरामन ने डाली थी। ठीक है, इसकी नींव किसने डाली थी? चूरामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। ठीक है, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वो 337 थी लगभग, जो अन्य मुगल साम्राज्यों की तुलना में अधिक थी। ठीक है, जो बाकी मुगल साम्राज्य थे उनकी तुलना में ये संख्या काफी ज्यादा थी। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने, जो औरंगजेब का पुत्र हुआ अकबर ने, दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, औरंगजेब के पुत्र जो अकबर थे इन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। पूछा जा सकता है आपसे कुरान को अपने शासन का आधार किसने बनाया था? तो वो औरंगजेब ने बनाया था। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नबजोर का त्योहार मनाना, इन्होंने सिक्के पर क्या खुदवाया था? सिक्के पर इन्होंने कलमा खुदवाया था। ये बात आप याद रखेंगे, सिक्के पर कलमा किसने खुदवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाया था और नबजोर का त्योहार ये इन्होंने मनाना स्टार्ट किया था। नबजोर का त्योहार और भांग की खेती की स्टार्टिंग भी औरंगजेब ने की थी। गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस तरह की सारी प्रथाओं की स्टार्टिंग किसने की थी? ये औरंगजेब ने की थी। और तुला प्रथा में क्या होता है? तुलादान प्रथा में, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा होती है। यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी। और ये प्रथा स्टार्ट कब हुई थी? अकबर के जमाने में ये प्रथा शुरू हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसने क्या किया था? ये जितनी भी प्रथाएं थी जो अकबर के समय में स्टार्ट हुई थी इन सभी पर इन्होंने रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा औरंगजेब ने संगीत पर भी पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। और जो सरकारी संगीतज्ञ थे, जो संगीतकार थे, उन्हें भी इसने हटा दिया था, इन्हें अवकाश दे दिया था, छुट्टी पर भेज दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई हैं। ठीक है, भारतीय संगीत पर जो फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई हैं? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई हैं। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। ठीक है, औरंगजेब खुद भी बीड़ा बजाने में ये दक्ष था, ये अच्छा बीड़ा बजाता था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। कब दिया था? 1665 में। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, याद रखेंगे आप, सोमनाथ का मंदिर, बनारस के विश्वनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। इन्होंने जो मंदिरों को तोड़वाया था उस मंदिरों में कौन कौन मंदिर थे? सोमनाथ मंदिर था और बनारस का विश्वनाथ मंदिर था और वीर सिंह देव द्वारा निर्मित जहांगीर काल में जो मथुरा में मंदिर बना था केशव राय मंदिर, उसे भी इसने तोड़वाया था। किसने इस मंदिरों को तोड़वाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 में हुई थी। इसे खुल्दाबाद
इनकी औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 20 फरवरी 1707 में। इन्हें खुल्दाबाद जो कि अब रोजा कहलाता है, खुल्दाबाद जो अब जिसे रोजा कहते हैं, में दफनाया गया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के समय में जो सूबों की संख्या थी वो कितनी थी? 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, जो औरंगजेब था वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। ठीक है, जो औरंगजेब था वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को ये अपना मुख्य लक्ष्य मानता था, ये अपना उद्देश्य मानता था। दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिलों का देश, ठीक है, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का देश। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे, और औरंगजेब के टाइम में हिंदू सेना में सबसे ज्यादा इसकी सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेना सेनापति थी, हिंदू सबसे ज्यादा इसकी सेना में थी औरंगजेब की। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मुगल शासन व्यवस्था। अब मुगल शासन व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। ठीक है, मुगल शासन व्यवस्था में विजारत किसको कहा जाता था? मंत्री परिषद को। ठीक है, मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, बाबर के शासनकाल में जो वजीर पद था ये काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था बाबर के शासनकाल में। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। ठीक है, जो शासक हुआ करता था उसके, अगर जो सम्राट था उसके बाद महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था वो वकील होता था, जो कि शासन के कार्यों को संचालित करने का काम किया करता था। जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, जिनके कर्तव्यों को अकबर ने क्या नाम दिया था? दीवान, मीर बख्शी। ठीक है, दीवान मीर बख्शी, सत्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित किया था। इन सारे नामों में इनको इन्होंने विभाजित किया था, दीवान अकबर ने विभाजित किया था, दीवान मीर बख्शी, सत्र उस सद्र एवं मीर समन में इन्होंने विभाजित किया था। किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर काम किया था। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक समय तक काम किसने किया था? असद खान ने किया था। ठीक है, सबसे अधिक समय तक औरंगजेब के समय में 31 वर्षों तक दीवान के पद पर रहे थे असद खान। मीर बख्शी द्वारा सरखत, जो मीर बख्शी थे, मीर बख्शी के द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था, वेतन दिया जाता था। जब मीर बख्शी जो थे वो साइन करते थे उसके बाद ही वेतन लोगों को दिया जाता था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर साइन करने के बाद ही सेना को वेतन देने की प्रथा थी। जब कभी सत्र न्याय विभाग में प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। ठीक है, जो सद्र होता था, सद्र जब न्याय विभाग में मुख्य कार्य करता था, मेन काम करता था, तब उसे क्या कहा जाता था? तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, ऐसी भूमि जिसमें लगान नहीं दिया जाता था, लगानहीन भूमि मदद ए मास जिसे कहते थे का निरीक्षण सत्र करता था। ठीक है, जो सद्र था वो लगानहीन भूमि का निरीक्षण किया करता था। सम्राट के घरेलू विभागों पर प्रधान मीर समान कहलाते थे। ठीक है, सम्राट के घरेलू विभागों पर, जो सम्राट का घरेलू विभाग होता था, घरेलू विभागों का जो प्रधान था वो मीर समान कहलाते थे। मीर समान जो थे सम्राट के घरेलू विभागों को भी देखा करते थे।
ये कुछ मुगल काल में प्रमुख अधिकारी और उनके काम क्या क्या होते थे ये देख लेते हैं। मुगल काल में मेन अधिकारी क्या होते थे और उनके काम क्या होते थे। सूबेदार, सूबेदार का क्या काम होता था, प्रांतों में शांति स्थापित करना। सूबेदार का काम होता था कि वो प्रांतों में शांति स्थापित करें और वहां के कार्य ठीक तरह से चले, ये काम सूबेदार देखते थे। दीवान, ठीक है, दीवान, दीवान का काम क्या होता था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, जो प्रांतीय राजस्व होते थे उनका प्रधान कौन होता था, दीवान होता था। ठीक है, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह, ये सीधे सीधे इन्हें जवाब देना पड़ता था शाही दीवान के प्रति। बक्सी, बक्सी क्या होते थे, बक्सी का काम होता था प्रांतीय सेना का प्रधान, प्रांतीय सेना का प्रधान कौन होता था, बक्सी, बक्सी जो थे वो प्रांतीय सेना के प्रधान हुआ करते थे। फौजदार, फौजदार का काम क्या होता था, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। ठीक है, फौजदार कौन होता था, जिले का अधिकार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। नेक्स्ट है आमील, आमील या फिर अमल गुजार। ठीक है, आमील या जिसे अमल गुजार कहते हैं, इसका कार्य क्या होता था, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, जिले का ये प्रमुख राजस्व अधिकारी हुआ करता था। कोतवाल, कोतवाल का काम क्या होता था, नगर प्रधान, कोतवाल जो था वो नगर प्रधान होता था। ठीक है, कोतवाल क्या होता था, ये नगर प्रधान होता था। सिकदार, सिकदार क्या होता था, सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, सिकदार जो था वो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, सिकदार क्या होता था, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल, आमिल का कार्य क्या होता था, ये ग्राम के कृषकों, ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करने का काम होता था आमिल का। जो आमिल का काम होता था, ग्राम के जो कृषक होते थे, कृषि जो लोग करते थे, किसान होते थे, कृषक होते, कृषि करने वाले, उनके संबंधों को उनसे संबंध बनाना और उनसे लगान को निर्धारित करने का काम इसका होता था, इसका आमिल का। ठीक है, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। जो सूचना और गुप्त विभाग का प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था, दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना कहा जाता था। ठीक है, शरीयत के प्रतिकूल कार्य जो करता था उसे क्या कहते थे, उसे रोकना कहा जाता था। आम जनता के और आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य जो था वो मोहित शिव नामक अधिकारी किया करता था। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, शरीयत के प्रतिकूल जो कार्य होते थे, अच्छे कार्य जो होते थे करने वाले, जो शरीयत के जो प्रतिकूल कार्य किया करते थे उनके रोकने का काम कौन करता था, और आम जनता के दुष्चरित्रता से, आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य जो था वो मोहित शिव अधिकारी किया करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में और सरकार का परगना या महल में और महल का जिला एवं दस्तूर में और दस्तूर का ग्राम में हुआ था। ठीक है, इस बंटवारे को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का जो बंटवारा था वो कैसे कैसे हुआ था। सूबों का बंटवारा तो सूबों का सरकार में, जो सूबों का बंटवारा था सूबों का बंटवारा सरकार में हो गया था। सरकार का परगना या फिर महल में और महल का जिला या फिर दस्तूर में और दस्तूर का किसमें हुआ था, ग्राम में बंटवारा हो गया था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। बार बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, वो ग्राम हुआ करती थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। ये नाम आप याद रखेंगे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो ग्राम होती थी उसे मावदा या फिर दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नांगला कहा जाता था।
ठीक है, छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? नागला कहा जाता था। शाहजहां के प्रशासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई स्थापित की गई थी। ठीक है, शाहजहां के शासन काल में सरकार और परगना के मध्य, ठीक है, सरकार और परगना के मध्य एक जो इकाई थी उसे क्या कहते थे? चकला नाम की एक नई इकाई शुरू की गई थी। किस किस के बीच? सरकार और परगना के बीच में। भूमि करके विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि तीन वर्गों में विभाजित थी। जो मुगल साम्राज्य की पूरी भूमि थी वो तीन पार्ट में डिवाइडेड थी। वो तीन पार्ट क्या क्या थे? खालसा भूमि और जागीर भूमि, सयूरगल या फिर मदद ए मास भूमि। ठीक है, खालसा भूमि का मतलब क्या है? खालसा भूमि से मतलब है प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। खालसा भूमि जो थी वो पूरी तरह से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि जो थी तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। जागीर भूमि जो थी वो तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि थी। सयूरगल या फिर मदद ए मास जो भूमि हुआ करती थी वो अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी। ठीक है, ये अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे मिल्क कहा जाता था। ये अनुदान में दी जाती थी और इससे इसमें लगान नहीं लिया जाता था, लगानहीन होती थी, जिसे मिल्क कहा जाता था। शेरशाह के द्वारा भूरा राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। ठीक है, शेरशाह द्वारा भूरा राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली जो पद्धति थी राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की थी? 1573 में। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। ठीक है, इसे अपने क्षेत्र में कितना दाम वसूल करना होता था? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ दाम उसे वसूल करना होता था। ये डिटेल वाला अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप फटाफट उन्हें कर पाएंगे और आपको याद भी रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा डिटेल वाला समझना जरूरी है आपके लिए। तो इस बुक को आप अच्छे से, इस वीडियो को देखिएगा, ताकि हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आए और याद भी हो जाए। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहशाला नामक नाम की नवीन कर प्रणाली की स्टार्टिंग की थी। नवीन कर प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? दहशाला नामक जो इन्होंने प्रणाली स्टार्ट की थी अकबर ने 1580 में, इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। पहला है पोलज, ठीक है, पहला क्या है? पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज का क्या मतलब है? पोलज में इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। जो पोलज थी इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार इसमें फसल हुआ करती थी। परती, परती का क्या मतलब है? इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। जो परती थी इसमें 1 या 2 वर्ष के, 2 सालों के अंतराल में इसमें खेती होती थी। चाचर, चाचर का क्या मतलब है? चाचर में इस पर 3 से 4 वर्षों के अंतराल में खेती होती थी। चाचर में 3 से 4 वर्षों के अंतराल में खेती होती थी। बंजर, बंजर क्या थी? बंजर जो खेती थी यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। जो बंजर थी उसमें खेती नहीं होती थी, खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। ठीक
ठीक है, इस भूमि पर जब खेती नहीं होती थी तो लगान कहाँ से वसूलेंगे, तो ये नहीं होता था। ठीक है, 1570 और 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जप्ती प्रारंभ की थी। ठीक है, टोडरमल ने 1570 और 71 में जो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जप्ती को शुरू किया था। इसमें कर निर्धारण की दो श्रेणी थी, इसमें कर निर्धारण के लिए दो श्रेणियां रखी गई थी। एक को तकसीम, एक को क्या कहा गया था, तकसीस कहा गया था, तकसीस, और दूसरे को तहसील कहा गया था। तकसील और तहसील नामक दो प्रणालियां टोडरमल ने शुरू की थी। किस पर की थी, खालसा भूमि पर, ठीक है, जिसे जप्ती कहा जाता था। औरंगजेब ने अपने शासन काल में नस्क प्रणाली को अपनाया था, इसने औरंगजेब जो थे इन्होंने नस्क प्रणाली को अपनाया था अपने शासन काल में, और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। भू राजस्व की जो राशि थी उसे उपज का आधा इन्होंने कर दिया था। मुगल काल में कृषि तीन वर्गों में विभाजित थी, और मुगल काल जो था उसमें कृषि कितने भागों में विभाजित थी, वो तीन भागों में बटी हुई थी। खुद कास्त पहले तो थे, खुद कास्त, दूसरा पाही कास्त, और तीसरा मुजारिया। ठीक है, एक किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। खुद कास्त में क्या था, खुद कास्त में जो किसान होते थे वो वहीं पर खेती करते थे जहां पर वो रहते थे। ठीक है, तो खुद कास्त में किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां पर वो निवास करते थे। पाही कास्त में ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। ठीक है, पाही कास्त में किसान दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, कृषि करते थे। मुजारियन में जो था, खुद कास्त कृषकों से भूमि कराने पर लेकर कृषि कार्य करते थे। ठीक है, मुजारियन में क्या करते थे, मुजारियन में जो खुद कास्त होते थे, खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेते थे। ठीक है, खुद कास्त जो थे वो भूमि कृषकों से किराए पर लेते थे और फिर वो उस पर काम करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में थी। ठीक है, औरंगजेब के समय में मुगल काल में रुपए की सबसे ज्यादा ढलाई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां के ने करवाया था। ठीक है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, और जहांगीर ने अपने समय पर सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही उस पर अपना एवं नूर जहां का नाम लिखवाया था। ठीक है, जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी तस्वीर बनवाई थी और अपना और नूर जहां का, जो उनकी बेगम थी, उनका नाम इन्होंने गुदवाया था। अपने सिक्कों पे नाम दोनों का था, तो जहांगीर ने अपना और नूर जहां का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। सबसे बड़ा सिक्का सास्व सोने का था। सबसे बड़ा जो सिक्का था वो सास्व सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। इलाही जो था वो सोने का सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। ठीक है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, चांदी का रुपया। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। दैनिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। जो मुगल सेना थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। पैदल सेना, एक तो पैदल सेना जो पैदल चलने वाले होते थे, घुड़सवार जो घोड़े पर चलने वाली सेना थी, तोपखाना जो तोपों का यूज करते थे, तोपखाना थी, और हाथी सेना जो हाथियों का इस्तेमाल से चलती थी। पैदल चलने वाली सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना, सेना को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था मुगल के शासन काल में। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णता
मनसबदारी प्रथा पर आधारित थे। जो मुगल कालीन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने शुरू किया था और मनसबदारी को स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने, ठीक है, मनसबदारी को अकबर ने स्टार्ट किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वालों को अमीर आजम कहा जाता था। ठीक है, 10 से 500 जो प्राप्त करते, 10 से 500 तक जो मनसबदार प्राप्त करते थे उन्हें तो मनसब, उन्हें क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, 500 से 2500 तक जो मनसबदार प्राप्त करते थे उन्हें उमरा कहा जाता था, 2500 से ऊपर जो मनसबदार प्राप्त करते थे उन्हें अमीर ए आजम कहा जाता था। जात के व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। ठीक है, व्यक्ति के जो वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था किससे? जात से। सवाद पद, सवार पद जो था, सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। सवार पद से जो घुड़सवारों की संख्या का ज्ञान होता था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। जो जहांगीर थे इन्होंने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की स्टार्टिंग की थी। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। सबसे पहले यह पद किसको दिया गया था? महावत खां को। ठीक है, मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था, मुगल कालीन में जो लगान वसूल करने की व्यवस्था क्या क्या थी? गल्ला बक्सी, गल्ला बक्सी में क्या होता था? गल्ला बक्सी में इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। ठीक है, गल्ला बक्सी में सरकार कुछ भाग लेती थी फसल का। नामक और नासक, नासक में क्या होता था? इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। ठीक है, नासक में क्या होता था? नासक में जो फसल उगी हुई होती थी, खेतों में जो फसल लगी हुई होती थी उसमें अनुमान लगा के वो जब फसल कटती थी तो वो अपना लगान ले लेते थे। जप्ती, जप्ती में क्या होता था? जप्ती में इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान को निश्चित किया जाता था। जो भी खेतों में बोई गई फसल है उसको देखकर लगान कितनी होगी वो अपना निश्चित कर लेते थे। जो नगद लिया जाता था, और इसे कैसे लेते थे? जप्ती में नगद लेते थे फसल को। ठीक है, तो चलिए ये आपका खत्म, यहाँ पे इस वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मराठों को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक इसको रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।